स्कूल और कॉलेज टाइम से ही मेरी स्किन कुछ ज़्यादा खास नहीं थी एंड कॉलेज टाइम से ही मुझे पता चला कि क्या क्या चीज़ें काम करती है स्किन के लिए एंड मेरी स्किन मैंने धीरे धीरे इम्प्रूव भी की लेकिन बहुत लेट हो चुकी थी। तो आज की वीडियो में वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी जो मुझे पहले करना चाहिए था अपनी स्किन के लिए लेकिन मुझे बहुत लेट में रियलाइज़ हुई एंड ये सारी चीज़ें शायद आपके काम आ सकती है अगर आपकी डल स्किन है तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अब करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहली चीज जो मेरे पहले दिमाग में नहीं आई लेकिन अब मैं मानती हूँ वो है लेस इज ऑलवेज गुड। ये बात सिर्फ मेरी मम्मी को पता है कि स्कूल टाइम पे है ना मेरा कुछ ऐसे यहाँ यहाँ पे पिंपल्स भरे रहते थे क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करती थी और जब मेरे साथ ये हुआ ना तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा कि नेक्स्ट डे मैं स्कूल जाऊंगी तो फिर सब क्या बोलेंगे, क्या हो गया तेरी स्किन को। एंड फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास भी गई थी एंड डॉक्टर ने इतनी सारी क्रीम और मेडिसिन दे दी थी। एंड ये चीज मैं अभी भी मानती हूँ, भले ही मैं कुछ कुछ प्रोडक्ट्स यूज करती जो मेरे स्किन में काम करते हैं लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बहुत कम प्रोडक्ट यूज करूँ। नेक्स्ट चीज जो मैं अब मानती हूँ, पहले नहीं मानती थी, वो है पावर ऑफ नेचुरल रेमेडीज। शुरुआत से आप मेरी स्किन देखे होंगे, मतलब सावली, मतलब धूप में तो मैंने पूरी अपनी स्किन बर्बाद कर दी थी। तो मेरी मम्मी मुझे मतलब पकड़ पकड़ के बेसन लगाती थी कि ले तेरी गर्दन तेरे सबको साफ करूँ बेसन लगा। तो मेरी मम्मी बहुत सारी नेचुरल रेमेडीज मेरे पे ट्राई करती थी। ऐसे ही मेरा भी ट्रस्ट धीरे धीरे जगा कि नेचुरल रेमेडीज में कुछ तो बात है। तो हाँ, नेचुरल रेमेडीज में मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, मतलब काम बहुत अच्छे से। नेक्स्ट चीज जिसकी मुझे इंपॉर्टेंस अभी पता चल रही है वो है फेस ऑयल। मैं बहुत पहले से मसाज करते आ रही हूँ एंड पहले मैं आमंड ऑयल से करती थी लेकिन फिर मेरे को निकालने का झंझट लगता था इसलिए मैंने एलोवेरा जेल से करना चालू किया। लेकिन मैंने रियलाइज किया कि है ना फेस ऑयल से है ना जब आप मसाज करते हो तो अलग सा ग्लो आता है जो आपको किसी और से नहीं मिलता। तो इसलिए ना आजकल मैं ज्यादातर आमंड ऑयल से मसाज करती हूँ एंड अभी भी ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने पूरा मसाज किया। मैं तो आपको बोलूंगी कि अगर आपको झंझट नहीं करना है ना ज्यादा तो एलोवेरा जेल से आप कर सकते हो लेकिन अगर आपको एलोवेरा सूट नहीं करता एंड आप ओके हो तो आप आमंड ऑयल से करो। हम कैसे करना है मसाज तो मैंने इस वीडियो में बताया है सारा चीजें जैसे मैं करती हूँ। लेकिन सच में यार अगर आपको ग्लो चाहिए ना तो ये आमंड ऑयल वाला जाके करो, इसको देखना आपके फेस पे, आपको फिर अलग सा ही हर दिन ग्लो दिखेगा। और सुनो, जाने से पहले लाइक करके जाना, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, उस घंटी को भी दबाओ ताकि आगे और वीडियोस आ रही हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, जल्दी से जाके मुझे वहां पे फॉलो कर लो। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।